जय हिंद दोस्तों। तो मोटोला H40 Pro भाई जो कि ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हुआ है भाई, जो कि प्राइजिंग दम बेकार है। रियलिटी बताते हैं जो कि 80,000 या 81,000 के प्राइस में आता है भाई साहब, जो कि 12256। तो कौन है जो लेने वाला 80,000 के प्राइस में भाई? हमें तो नहीं लगता है कोई लेगा भाई, रियलिटी बताते हैं। तो उसको बात को छोड़ते हैं, हम आप लोग को अनबॉक्सिंग दिखाएंगे जिस टाइप से दिखाते हैं भाई। तो क्रेडिट भाई को मिल जाएगा, आप लोग चाहें तो उनका चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जैसे कि भाई साहब बॉक्स को लेकर आ चुके हैं, जो कि देख सकते हैं भाई जो कि मोटोला का बॉक्स है उसी टाइप से बॉक्स को ओपन करते हैं। उस पे देख सकते हैं फ़ोन रखा हुआ है भाई। तो फ़ोन को साइड करते हैं, बॉक्स में से ट्रांसपेरेंट बैक कवर मिलता है जो कि बेकार घटिया लेवल का, जो कि 80,000 के फ़ोन में भाई देख सकते हैं। तो उसको देख हटा दीजिए। इसमें आप लोग को 125 वाट का चार्जिंग मिलता है, जो कि सैमसंग और एप्पल वालों को शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए था। तो उसके बाद फ़ोन को भाई हाथ में लेते हैं, यानी दिखा रहे हैं तो हम भी देख रहे हैं। तो देख सकते हैं भाई साहब जो कि ब्लैक कलर में जो कि तगड़ा है भाई, जो कि मज़ा आ रहा है देखने में हमको भी। आपको भी अच्छा लग रहा है ना? तो फ़ोन को चारों पट्टी पलट पलट के दिखा रहे हैं भाई। तो फ़ोन को ओपन हो रहा है भाई। तो इसका डिस्प्ले साइज जानना चाहेंगे आप लोग? 6.67 इंच के साथ आता फुल HD भाई, जो कि 80,000 के प्राइस में जो कि 2K डिस्प्ले मिल रहा है। तो भाई यहाँ पर ही समझ सकते हैं। और रिफ्रेश रेट जानना चाहेंगे? 165 Hz के साथ आता भाई, जो कि सबसे ज़्यादा आता भाई। तो भाई साहब ओपन कर चुके हैं फ़ोन को, जो कि काफ़ी सेटअप वेटअप कर रहे हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं भाई, जो कि रिफ्रेश रेट हाई हो फ्लाना टाइप करना, जो कि एंड्रॉयड 13 सब कुछ दिखाएंगे भाई। जो कि आप लोग देखिए, हम एक चीज़ कितना बता सकते हैं, आप लोग देख कर जो फीलिंग ले सकते हैं भाई, हम बता के नहीं दे सकते हैं। तो देखिए आप लोग को स्पेसिफिकेशन तो बता ही रहे धीरे धीरे, जो कि इसमें बैटरी मिलता है 4600 mAh के साथ मिलता है, चार्जिंग तो पहले ही जान चुके हैं भाई। और इसमें आप लोग को IP68 के साथ आता है। कई घंटा पानी में डुबाना इसको नहीं पता भाई, जो कि लेकिन समझ सकते हैं पानी में लेकिन जरूर से डुबा सकते हैं। तो भाई साहब जो कि आप लोग को कोई खास चीज़ क्या मिलता है इसमें? तो 50 MP का भाई, जो कि मेन 50 MP का अल्ट्रा वाइड टेलीफोटो 12 MP के साथ, और फ्रंट में 60 MP का मिलता है भाई। तो तगड़ा बात है भाई, प्रीमियम डिजाइन नहीं लग रहा भाई देखने में, जो कि 80,000 के प्राइम में इस टाइप का डिजाइन देना चाहिए भाई। तो डिजाइनिंग खास नहीं है। उसके बाद जो कि डिस्प्ले में हम मूवी कंटेंट वाचिंग करके दिखाते हैं भाई, जो कि आप लोग देखिए कैसा लग रहा है भाई। जो कि डिस्प्ले तो आप लोग को पता होगा कि सब कुछ एप्लीकेशन बता चुके हैं भाई। उसके बाद कैमरा से बात रहा, तो कैमरा में आप लोग को हम दिखाना चाहेंगे थोड़ा सा फोटो वोटो, जो कि देख सकते हैं भाई। जो कि हम क्या दिखाएंगे, जिनका वीडियो वो दिखाएंगे भाई। तो देख सकते हैं जो भी है, आप लोग को वीडियो फोटो देख सकते हैं। तो देख सकते हैं फोटो कैसा आ रहा नहीं आ रहा, आप लोग खुद जज कर सकते हैं। हमको ठीक ठाक लगा, जो कि मोटोला का फ़ोन पर्सनली प्रीमियम नहीं यूज़ किए हैं भाई। जो कि मोटोला H30 Pro आता है, H30 Ultra आता है, काफ़ी सारे आता है, तो उसको हम यूज़ नहीं किया भाई। तो कोई ख़ास हम अपना ओपिनियन नहीं दे सकते हैं। तो आप लोग को सामने है कैमरा वीडियो सभी जितना कुछ हो सब अवेलेबल है भाई। और इसमें आप लोग को प्रोसेसर से बात करता है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के साथ आता है, जो कि अभी के डेट में फ्लैगशिप प्रोसेसर है भाई। तो परफॉर्मेंस के लिए तो निराशा वाली बात है ही नहीं भाई, जो कि प्राइजिंग भी निराशा वाला है। तो परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। तो देख सकते हैं जो भी बात है आप लोग को सामने। तो इस सब फ़ोन में आप लोग को जो स्पीकर जो कुछ छूट गया था आप लोग साइड में देख सकते हैं भाई, जो कि आप लोग दिखा रहे हैं। जैसे कि फ़ोन के बारे में आप लोग कमेंट करके बताइए। और मेरा तो पर्सनल ओपिनियन है कि भाई ठीक है, 80,000 मोटरोला के फ़ोन पर फिलहाल खर्च करना समझ सकते क्या है। अभी अपडेट में काफ़ी स्लो चल रहे हैं मोटरोला वाला, जो कि इंडिया में जब फ़ोन आता है, तो इस सबसे भी काफ़ी प्रॉब्लम हमें लगता है। बाकी जो वीडियो था वह सब दिखाते हैं। वीडियो पसंद आ गया तो रिक्वेस्ट करते हैं भाई वीडियो को लाइक करें, नए लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को चाहे तो जोर से शेयर करें जिनको पसंद आता है मेरा वीडियो उनको। और क्या ही करना, पर्सनल है तो इंस्टाग्राम जिंदाबाद है। बाकी चलिए अगले वीडियो मिलकर, जय हिंद, वंदे मातरम।